बहुत से अंकल्स को लेकर आई है। डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांध कर खींचते हुए ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आई, मैंने तुम्हारे गंदे हाथों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अपनी मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी। कौन रमेश? बहुत चलाक होना डॉन, लेकिन पुलिस को उस टैक्सी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल चुके हैं। डॉन, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। तुम रमेश की मंगेतर हो? कोई गोली न चलाए, डॉन मुझे जिंदा चाहिए। रिवॉल्वर खाली है डॉन। वेरी स्मार्ट। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो? जी हाँ। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है, भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। होल्ड इट ऑन, तुम यहां से निकल नहीं सकते। डीएसपी, क्या मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस लड़की की जान जाएगी? डॉन, मैं फिर से कह रहा हूँ, अकलमंदी इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं बहुत मजबूर हूँ डीएसपी, गिरफ्तार होने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं, और हाँ, आप लोगों का इस तरह आगे बढ़ना इस लड़की की सेहत के लिए अच्छा नहीं। So, why don't you be where you are, okay?